क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे हम लोग, लेसन 6 लाइंस एंड एंगल्स में डिस्कस करेंगे व्हाट इज लाइन, लाइन क्या है। तो डिस्कस करते हैं लाइन में, तो लाइन देखते हैं कि ये लाइन है तो ये लाइन बना कैसे है। तो बहुत सारे जो प्वाइंट है, इन सारे प्वाइंट को जब हम मिला देंगे तो इन सारे प्वाइंट को मिलाने से लाइन बनता है। अर्थात कह सकते हैं लाइन इज अ ग्रुप ऑफ प्वाइंट्स, विच इज एक्सटेंडेड बोथ साइड। अर्थात लाइन वह है जिसके दोनों साइड को हम लोग आसानी से बढ़ा सकते हैं, जितना आगे बढ़ाना चाहते हैं उतना आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये है लाइंस। तो लाइंस के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लाइंस। व्हेन टू लाइंस दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, या दे डू नॉट मीट ईच अदर, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन, ये दोनों लाइंस L एंड M आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। L पैरेलल टू M, इट मीन्स इट इज द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइंस। ये L और M पैरेलल लाइन है जो आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे। तो वैसे दो लाइन जो आपस में कभी भी नहीं मिलते हैं उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं, या कह सकते हैं वैसे दो लाइन जिनके बीच की दूरी हर समय हमेशा समान हो उसको पैरेलल लाइन कह सकते हैं। एग्जांपल में आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक जो हो गया, उसमें जो लाइन है रेलवे ट्रैक की, वह जो हमेशा पैरेलल लाइन होता है, जिनकी बीच की दूरी जो है हमेशा समान होती है और जो आपस में कभी नहीं मिलते हैं, वैसे लाइन को पैरेलल लाइन के नाम से जाना जाता है। व्हेन टू लाइन, जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है, इट मीन्स ए बी एंड सी डी इज टू लाइन्स, व्हेन ए बी एंड सी डी इज टू लाइन्स, देन बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काटती है तो ऐसे लाइन को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। तो लाइन को समझ गए कि लाइन्स क्या है। लाइन अगर एक दूसरे को काटती है तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। अगर दो लाइन एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, अर्थात वो जो आपस में कभी नहीं मिलेगी, तो उसको हम लोग पैरेलल लाइन के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे व्हेन टू लाइन या बोथ लाइंस आर पैरेलल, व्हेन थर्ड लाइन इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन, जब दो लाइन को कोई थर्ड लाइन जो क्या करती है इंटरसेक्ट करती है, इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन के नाम से जाना जाता है। जब दो पैरेलल लाइन को एक थर्ड लाइन काटती है तो उस थर्ड लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो लाइंस किसे कहते हैं समझ गए कि जब दो पैरेलल लाइन को एक थर्ड लाइन काटेगी तो इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब चर्चा करेंगे एंगल्स। जब दो लाइन किसी पॉइंट पर आकर कन्वर्ज होते हैं, मिलते हैं, दैट इज वेयर एंगल इज फॉर्म, वहीं पर एंगल का निर्माण होता है। अर्थात ओ एंड ओ सी इज अ लाइन, बोथ लाइंस मीट्स एट अ पॉइंट ओ, दैट इज एंगल ओ, या इट इज रिटन ऑल्सो एंगल ए ओ सी। तो एंगल जो है जब दो लाइन एक दूसरे पे मीट करती है तो वहां पे एंगल का फॉर्मेशन होता है। एंगल के बारे में, एंगल्स कई प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं कि एंगल जो होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं। अगर राइट एंगल्स अगर 90 डिग्री, किसी भी एंगल का मान अगर 90 डिग्री है
तो वह राइट एंगल ट्रायंगल्स है। किसी भी एंगल का मान अगर 0 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से कम है तो वह एक्यूट एंगल कहलाएगा। अगर किसी एंगल का मान 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम है तो वह जो है आपका क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। तो एंगल जो है कई होते हैं, राइट एंगल हो गए, एक्यूट एंगल हो गए, ऑब्ट्यूस एंगल हो गए, तो इसकी डिस्कस हमने प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। तो ये है एंगल्स। अभी मेन जो चैप्टर है 6.1 थ्योरम क्या कहता है कि when two line intersect each other, when two line intersect each other at a point O, then vertically opposite angles are equal. It means आमने सामने के एंगल, अर्थात एंगल 1 = 2, एंगल 3 = एंगल 4 जो होंगे आपस में हमेशा बराबर होंगे, इसी को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो उसके काटने पे आमने सामने के जो एंगल बनते हैं उसी एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। अगर किसी लाइन पर अगर एक लाइन खींचा जाए तो उस पे एक साइड में बनने वाले एंगल सभी को लीनियर पेयर के नाम से जाना जाता है, लीनियर पेयर एंगल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये रहे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये रहे लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल का योग हमेशा द सम ऑफ लीनियर पेयर इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इन सारे चीजों को आप लोग ध्यान से स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग प्रूव करेंगे कि दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर